दो तीन दिन से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बाजारों की रौनक भी गायब होती नजर आ रही है। ऐसे में लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और उन्हें पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं गन्ने का जूस पीने आए लोगों से जब गर्मी को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मी से बचने के लिए गन्ने के रस का सेवन कर रहे हैं। पेय पदार्थों का गर्मी में अत्यधिक सेवन करना चाहिए। यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत लू पड़ रही है, जरूरी हो काम तो तब बात होती है, वैसे तो बिना मतलब के नहीं। और ठंडा पानी वगैरह, नींबू पानी वगैरह ज्यादा से ज्यादा दे, अपने बच्चों की केयर करें। बहुत ठंडी लग गई है, खाना थोड़ा सही से कम निकाले तो इसके बाद तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपको सुबह शाम ही करते निकला जाएगा। तो आपके सामने है देखो, पेय पदार्थ पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, यही बचा रहे हैं, अब जाके घर पर आराम से बैठेंगे। तो लोगों को यही कहना चाहते हैं कि गर्मी बहुत पड़ने लगी है, तो गर्मी से बचो जितना हो सकता है, अगर जरूरी हो कभी घर से बाहर निकलिए, वरना नहीं। वहीं गर्मी के कारण मरीजों की संख्या भी अस्पताल में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लू लगने से पेट खराब व पानी की कमी जैसी समस्या हो जाती है। अंबाला के सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव गोयल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, ज्यादातर अपना काम सुबह या शाम के समय ही करे और पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन करे, जैसे गन्ने का जूस, नींबू पानी, पेय पदार्थ ज्यादा ले और बाहर निकलते समय सिर ढक कर ही बाहर निकले। हमें पता है कि अभी जो 5-6 दिन से है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसको कि हम लू बोल देते हैं, तो इसमें है कि पेशेंट को, हम सभी को, पेशेंट्स को ही नहीं, हम सभी को लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। पानी है मतलब कम से कम 2.5 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, और जैसे नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है, कोई जूस है, ORS है, ग्लूकोन डी है, मतलब किसी भी फॉर्म में हमें लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे हमें पता है कि दोपहर को टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत अत्यधिक गर्मी होती है, तो सभी को चाहिए कि जितना पॉसिबल हो अपने जो भी काम है मॉर्निंग और इवनिंग में करें, दोपहर के टाइम कम से कम बाहर निकला जाए। अगर हमें बाहर निकलना पड़ भी जाता है तो प्रॉपर अपना सिर वगैरह ढक के रखें, और जैसे ही हम अपना काम करके घर आते हैं या अपने ऑफिस में वापिस आते हैं तो वही लिक्विड, मतलब अपना लिक्विड डाइट जरूर लेनी चाहिए। पानी देखो, वैसे तो हर किसी का अलग अलग होता है, जैसे कोई डिजीज है, मान लो कोई हार्ट डिजीज है, कोई किडनी की डिजीज है, तो उनको हम कहते हैं कि कम पीना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल हेल्दी लोगों के लिए बोलें तो इस जो गर्मी में है तो जो 2.5 से 4 लीटर तक पानी हम कंज्यूम कर सकते हैं और करना चाहिए हमें। इस उनको अपना टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाना चाहिए, मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं गर्मी के रिलेटेड, मान लो जैसे हम मान लो पानी हर पेशेंट का, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें हम कम बोलते हैं पानी पीने को, अगर कोई जनरल पेशेंट है, मान लो कोई CAD है जिनके स्टंट वगैरह डले, तो उनको हम कहते हैं कि आप नॉर्मल पानी ले सकते हो, तो जैसे ही उनके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उन्हीं के हिसाब से काम करना चाहिए, रेगुलर चेकअप जरूर करवाना चाहिए। गौरतलब है कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर भी गर्मी से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए टिप्स भी दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।